हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से बिहारी व्लॉग्स। तो अभी हम लोग हैं माधवपुर बीच पे। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे सोमनाथ से द्वारका। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोमनाथ से द्वारका जाते वक्त आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको वही मिलने वाला है। तो सबसे पहला व्यू पॉइंट जो आपको मिलेगा माधवपुर बीच, जहाँ भी हम लोग फिलहाल खड़े हैं। बहुत प्यारा बीच है, बहुत क्लीन बीच है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो आप हमारी तरह यहाँ बीच एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ कैमल भी है, कैमल राइड भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने यहाँ के लोकल से पता किया, आसपास कोई मंदिर है तो उन्होंने हमें बताया यह मंदिर है जहाँ पे वासुदेव जी और कृष्ण जी की मूर्ति है, जो जिसकी स्टोरी आगे मैं बताती हूँ। तो पहले ये मंदिर देख लीजिए आप लोग। इस मंदिर में जहाँ भी मैं खड़ी हूँ, ये मंदिर नया मंदिर है जो कि 180 साल पहले बना था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं आगे। चलिए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं इस मंदिर की स्टोरी। पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर है, हजारों साल से समुद्र में से निकला हुआ वो मंदिर। कुछ नहीं, वो आपने भगवान का जो दर्शन किया वो मूर्तियाँ उसमें थी, इसमें थी। हाँ, 1840 में वो मूर्ति वही मंदिर में विराजमान की। अच्छा, 180 साल हुए वही मंदिर में। 180 साल वो स्वयं वो समुद्रों में से निकले वही मंदिर। अच्छा, मूर्तियाँ है। अच्छा, तो जो वहाँ पर मूर्ति जो देखा ना अंदर, बलराम जी और कृष्ण जी का, पहले वो समुद्र से यहीं इस मंदिर में ही निकले थे, पर यहाँ पे फिर पुराना हो गया। भगवान की शादी वही गांव में हुई। कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया, वो सीधा यहाँ आए। अच्छा, वही गांव में वही स्थल आधा किलोमीटर दूर है, भगवान की शादी हुई ना वही जगह। वो वहाँ पे वो था जो गांव के अंदर जा रहे थे ना। अच्छा, महाप्रभु जी की बैठक, जी का मंदिर, मधुबन, माता जी रुक्मणी ने होटल लिखा था ना, वही जगह पे मिले। मंडप सब वहीं पे है। वो क्या पीछे उस तरफ है, इस तरफ है, आगे? और आगे आप द्वारका से आए काम से? नहीं नहीं, द्वारका जा रहे हैं अभी, तो वो पीछे रह गया, रह गया ना पीछे। हाँ, कोई चीज नहीं, इधर आ गया सब कुछ आ गया, ठीक है। और ये है पुराना मंदिर जो कि समुद्र से निकला था कहा जाता है, पुराना पूरा यही से। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं पोरबंदर की तरफ। वहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं ये कीर्ति मंदिर, जो कि कहा जाता है गांधी जी का जन्म स्थान है। तो चलिए आप लोगों को भी अंदर से दिखाते हैं। तो ये पूरा जो हम लोग जहाँ पे हैं अभी, ये म्यूज़ियम है, गांधी जी का म्यूज़ियम बना दिया गया है। और ये हम लोग घुस रहे हैं अभी गांधी जी के घर में। तो ये उनका पुराना घर था जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ वो रहते थे अपने माता पिता के साथ। और जो स्वास्थ्य का आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि गांधी जी का जन्म हुआ था। और ये है म्यूज़ियम जो कि गांधी जी को डेडिकेट किया गया है। तो ये थी तीन चार जगहें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सोमनाथ से द्वारका जाते वक्त। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगी बेट द्वारका। तब तक के लिए आई होप आप लोग ने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड बाय बाय।